बिलासपुर जिला के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को सलामी दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। बिलासपुर में पूर्व कल्याण समिति ने युद्ध स्मारक में एक ईंट शहीद के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला के शहीद हुए 123 जवानों को सेना की 53 आर्म्ड रेजिमेंट द्वारा शहीदों के सम्मान में सलामी एवं उल्टे राइफल करके 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पूर्व कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुबेदार प्रकाश चंद, एडीएम विनय कुमार, एएसपी भागमल व सेना के उप कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य मोहन और कमान अधिकारी कर्नल अभिषेक सक्सेना ने पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने सेना के अधिकारियों को जिला के पूर्व सैनिकों की समस्याओं से अवगत करवाया और जल्द से जल्द समस्याओं का हल करने का आग्रह किया। हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते पहले 53 आर्मर्ड रेजिमेंट के जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आए थे उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे से कहा कि हम यहाँ पे पूर्व सैनिकों के कल्याणकारी हेतु यहाँ पे कैंप लगाएंगे, उनकी दुख तकलीफें सुनेंगे, हल करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। हमने 23 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड ब्रिगेडियर दलाल साहब को यहाँ से चिट्ठी लिखी कि सर हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपकी टुकड़ी 53 आर्मर्ड यहाँ पे आ रही है तो बिलासपुर के इतिहास के पन्नों में वो चीज़ लिखाई जाए जो कि आज तक नहीं लिखी गई है। आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आपकी एक टुकड़ी आए और उन 123 वीर शहीदों को सलामी दी जाए जो कि आज तक सेना द्वारा नहीं दी गई है। आज वो यहाँ पे सेना द्वारा हमारे शहीदों को सलामी दी गई, उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ में हमने अपील की कि कमांडर साहब से कि जब भी आप आएँ तो हमारे जिले के लिए एक ईंट आप अपने हाथों से दें। वो भी एक ईंट आज अपने 53 आर्मर रेजिमेंट के कर्नल कमान अधिकारी अभिषेक सक्सेना साहब ने सेना की ओर से एडीएम बिलासपुर विनय कुमार जी को भेंट की और आज हमारी छाती भी चौड़ी हो गई कि सेना ने आज वो काम कर दिखाया जो कि आज तक बिलासपुर में किसी ने नहीं किया। मैं पुनः ब्रिगेडियर दलाल साहब का, कमांडेंट अभिषेक सक्सेना का, एडीएम साहब का, एएसपी साहब का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहीं रेजिमेंट के कमान अधिकारी ने कहा कि 53 आर्म्ड रेजिमेंट पूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों व शहीद सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।